नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की चेतावनी, पहाड़ी जिलों में होगी बारिश। उत्तराखंड में आज कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश गर्जन के साथ हो सकती है, हालांकि कहीं कहीं तेज और झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश गर्जन के साथ हो सकती है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी, जाने अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95.40 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 90.46 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.46 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.57 रुपए। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.62 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.75 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.46 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.58 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। केंद्र की योजनाओं की प्रीमियम में बढ़ोतरी। आज से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना योजनाओं के प्रीमियम में बढ़ोतरी हो गई है। दोनों योजनाओं में 1.25 रुपए प्रति प्रीमियम की बढ़ोतरी की गई है। घटेगा गेहूं का कोटा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के कई राज्यों में फ्री मिलने वाले गेहूं का कोटा आज से घटाया जाएगा। यूपी, बिहार और केरल में अब तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की जगह 5 किलो चावल ही मिलेगा। SBI से लोन लेना पड़ेगा महंगा। आज से देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के नियमों में बदलाव हो रहा है, जिससे लोन और महंगा हो जाएगा। SBI की तरफ से होम लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बढ़कर 7.05% हो गई। रेपो लेंडिंग रेट भी 0.40% बढ़कर 6.65% हो गया है। बाइक का इंश्योरेंस महंगा। कार और बाइक का इंश्योरेंस भी आज से महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई है। आज से कार के इंजन क्षमता के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। बदल सकते हैं गैस के दाम। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है, ऐसे में आज गैस की कीमत में बदलाव होने की संभावना है। खुल रही फूलों की घाटी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुल रही है। फूलों की घाटी में सैलानियों को 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां देखने को मिलेगी। नामांकन पत्रों की जांच। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार कल्पना सैनी ने विधानसभा में अपना नामांकन पत्र भर दिया है। आज उनके नामांकन पत्र की जांच होगी। 3 जून को नाम वापसी की तिथि है। कांग्रेस की कार्यशाला। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज से शुरू किया जा रहा है। देहरादून में GMS रोड स्थित चांदवालिया गार्डन में आयोजित कार्यशाला में 200 से अधिक वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रतिभाग करेंगे। कार्यशाला में उदयपुर नव संकल्प घोषणा के तहत लिए गए निर्णयों पर चर्चा होगी। स्कूलों में समर वैकेशन। उत्तराखंड की प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टी शुरू हो गई है। सभी सरकारी स्कूल 6 जुलाई तक बंद रहेंगे। टिहरी साकड़ी धार के पास बड़ा हादसा, ट्रक काटकर SDRF ने ड्राइवर को बाहर निकाला। मंगलवार देर रात साकड़ी धार के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बस और ट्रक के बीच आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगने से ट्रक में सवार ड्राइवर अंदर ही फंस गया। दूसरी ओर बस में सवार 3 लोग भी घायल हो गए। मदद के लिए पहुंची SDRF की टीम ने ट्रक का दरवाजा काटकर ड्राइवर को रेस्क्यू किया और बस में सवार लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया। मंकी पॉक्स को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी, बनी ये रणनीति। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने राज्य के उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों और जिलाधिकारी को मंकी पॉक्स के बारे में अलर्ट किया है। एडवाइजरी में कहा गया कि बुखार और शरीर पर चकत्ते वाले मरीजों की सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को दे दी जानी चाहिए। मंकी पॉक्स वायरस से बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चंपावत उपचुनाव। चंपावत उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न, निर्मला गहतोड़ी ने लगाया गंभीर आरोप। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक चंपावत उपचुनाव में 64% मतदान हुआ है। चंपावत उपचुनाव में भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी के बीच मुकाबला हुआ है। इस सीट पर सीएम का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। वहीं उपचुनाव में मतदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के मंदिर में पूजा की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। 1 जून से कांग्रेस का 2 दिवसीय चिंतन शिविर, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर होगी चर्चा। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए आज शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा कार्यक्रम स्थल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड COVID-19 ट्रैकर। 24 घंटे में मिले 16 नए कोरोना संक्रमित, 5 मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं, जबकि 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए। वही एक्टिव केस की संख्या 64 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1% है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हरिद्वार में 1 से 5 जून तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें।
उत्तराखंड में इन दिनों यात्रा सीजन पूरे शहबाग पर है। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु बस, रेल और निजी वाहनों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन 1 जून से 5 जून तक रेल द्वारा आने वाले कई श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे सहारनपुर से मुरादाबाद ट्रैक पर चलने वाले कई पुलों की मरम्मत करने जा रहा है, जिसके चलते रेलवे ने 10 से अधिक ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी है। चमोली पाक भूषुंडी झील में फंसे 5 ट्रैकर्स निजी हेलीकॉप्टर कंपनी ने बचाई जान। उत्तराखंड की चमोली जिले काक भूषुंडी झील के पास फंसे 5 ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। सभी ट्रैकर्स हरियाणा के रहने वाले हैं। बद्री केदार मंदिर समिति किशोर पवार और स्थानीय व्यक्ति के अलावा हेमकुंड साहिब में हेली सेवा दे रही डेक्कन कंपनी के सहयोग से सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मासूम की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 2 क्लिनिक सील। लाल कुआ के बिंदु खत्ता क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने 2 क्लिनिक सील किए हैं, साथ ही क्लिनिक संचालकों से जवाब मांगा है। इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने को लेकर छात्रों ने सीएम धामी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कोर्स में इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट ने पंतनगर में मुख्यमंत्री से मिलकर इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग की है। वहीं इस दौरान सीएम ने भत्ता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री से 4.50 लाख रुपए की काजल चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरिद्वार जिले के अंदर फैक्ट्री में चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी से 4.50 लाख रुपए का काजल चोरी हुआ है। हरिद्वार साधु पर शिष्य ने किया जानलेवा हमला, पुलिस हिरासत में आरोपी। हरिद्वार में मंगलवार को किसी बात पर गुरु और शिष्य के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान शिष्य ने गुरु पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने शिष्य को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड की गरिमा ने बिना कोचिंग पास की यूपीएससी परीक्षा हासिल की 304वीं रैंक। गरिमा ने बिना कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया है। गरिमा की इस उपलब्धि पर उनके आवास पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके पिता डॉक्टर पीएस नागपाल खटीमा दुग्ध संघ में मैनेजर के पद पर तैनात हैं। गरिमा की प्रारंभिक शिक्षा रुद्रपुर से हुई है। उत्तराखंड के 2.5 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। शासन ने 3% डीए बढ़ाने की बड़ी सौगात दी है। 1 जनवरी 2022 से लागू हुए 3% डीए का आदेश जारी होने के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% हो गया है। ज्ञानवापी विवाद, लीक वीडियो पर बोले हरिद्वार के संत, मुस्लिम पक्ष को छोड़ देना चाहिए स्थान। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कमीशन की कार्रवाई का वीडियो लीक होने के बाद अब हरिद्वार के संतों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। हरिद्वार के संतों का कहना है कि अब जल्द से जल्द हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने दिए जाएं और पूजा अर्चना की भी शुरुआत करनी दी जाए। संतों ने मांग की है कि मुस्लिम पक्ष को भी बड़ा दिल दिखाते हुए उक्त स्थान को छोड़ देना चाहिए। खामोशी से रिटायर हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश, ऐसी विदाई उन्होंने कभी सोची नहीं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव से लेकर अहम पदों पर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम कल रिटायर हो गए। ओम प्रकाश कभी सत्ता के बेहद करीबी माने जाते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नजदीक की वजह से उन्हें मुख्य सचिव का पद मिला था, लेकिन वक्त का पहिया घूमते ही मानव सत्ता की उनसे बेरुखी हो गई। कल उन्हें बड़ी सादगी के साथ विदाई दी गई, जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वरिष्ठ आईएएस ओम प्रकाश के अलावा कल एसडीआरएफ पुष्पक ज्योति भी सेना निवृत्त हो गए। पुष्पक ज्योति का पुलिस मुख्यालय पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जबकि प्रदेश के इतने बड़े नौकरशाह ओम प्रकाश के रिटायरमेंट में की ना तो कोई फोटो आई और ना उनके विदाई को लेकर कोई संजीदा नजर आया। माफिया डॉन ने उत्तराखंड को बनाया ठिकाना, देश भर के गैंगस्टर ले रहे पनाह। शांतवादियों के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड अपराधियों की पनाहगाह बनता जा रहा है। उत्तर भारत के कई बड़े अपराधी पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए उत्तराखंड में डेरा डाल लेते हैं। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में भी कुछ संदिग्ध आरोपियों को पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को मारी जबरदस्त टक्कर, हालत गंभीर। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ भगत सिंह चौक के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर एक दंपति और उनका छोटा बच्चा था। टक्कर होते ही तीनों बाइक की काफी दूर जा गिरे। दुर्घटना होते ही कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल पति पत्नी और उनके बच्चे को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। बागेश्वर पेट्रोल पंप के पास पहुंची जंगल की आग। जिले के कांडा तहसील क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप खतरे की जद में आ गया। यहाँ जंगल में लगी आग पेट्रोल पंप के करीब तक पहुँच गई। गनीमत ये रही कि जिस समय यहाँ आग के लपटे पहुँची वहाँ पंप कर्मी मौजूद थे। अगर देर रात यह घटना होती तो पेट्रोल पंप धमाकों के साथ दहल उठता। पेट्रोल पंप कर्मियों ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। बेजुबानों के साथ अमानवीय सलूक, अब तक 103 घोड़े खच्चरों की मौत, 2 संचालकों पर FIR दर्ज। चारधाम यात्रा के दौरान जहां श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, वहीं यात्रियों को ले जाने वाले बेजुबान घोड़े और खच्चरों की अत्यधिक शोषण से मौत होने के मामले सामने आ रहे, जिसको लेकर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे पशुओं के साथ क्रूरता बताया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बता दें कि अभी तक केदारनाथ यात्रा में 103 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद केदारनाथ में 2 पशु संचालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज हुआ है। हल्द्वानी में युवक ने रिश्ते को किया कलंकित, बहन से दुष्कर्म का प्रयास।
मुखानी थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भाई ने अपनी 13 वर्षीय सगी बहन पर नियत खराब हो गई। भाई ने अपनी बहन के साथ अश्लील हरकत के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। श्रीनगर में अनियंत्रित होकर झील में समाया ट्रक, चमधार के पास हुआ हादसा। शहर से 4 किलोमीटर दूर चमधार के पास देर रात एक कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे झील में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में ट्रक चालक के अलावा कोई और सवार नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही एसएएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लाखों कोशिशों के बाद भी चालक का दलदल में कुछ पता नहीं चला। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।